हैं आयु बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए इस तरह के जब गेहूं कट जाती हैं तो लोग इसी तरह से यहाँ पे खेतों में ना कनक को जो होता है, जो गेहूं होता है ना, उसे कैसे काटते हैं, ये इसी तरह से ये जो बच जाता है तो ये जल जाता है तो लोग काफ़ी अच्छे से इसे खाते हैं। तो ये अक्सर पंजाब के खेतों में से बच्चे, आपको अभी मैंने दिखाया कि बच्चे कैसे इसे उठाकर खाते हैं, तो इस चीज़ को देखो गेहूं को निकालते हैं। ये देखिए इसमें से ना ऐसे गेहूं निकलेंगे, ये देखिए देखिए भुजे हुए गेहूं, और इसको ऐसे छोटे छोटे बच्चे ना खूब खाते हैं, खूब इसको भीन कर ये खाते हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है इसे खाने में। तो मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे चलते चलते आपको। देखो ये जैसे खेत है ना पूरे कट चुके हैं, और इसे खेतों से कट जाते हैं तो इसको जला देते हैं, तो जो जब इसकी कटाई होती है तो कुछ कुछ गेहूं होते हैं ना जैसे जल जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं, तो गिरने के बाद ना इसको ये ऐसे ही देखिए ये जली हुई है, ये खेत है, मतलब पूरे खेत को भी ये जला रहे हैं, उसको ऐसे जलाएंगे तो इसमें ना जो गेहूं है ना इसे बच जाते हैं। तो आंटी जी ऐसे ना खेत जला देते हैं, और फिर ये कनक के जो बीज रहते हैं वो ऐसे जल रहते हैं, ऐसे भूज जाते हैं, और फिर ऐसे गेहूँ निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे इसको बीन के खाते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आंटी जी देखो पूरा ना ऐसे यहाँ पे खेत में ना इसको ऐसे ही जला रहे हैं, तो ऐसे पूरी ये जलती है, फिर इसके बाद कनक निकलती है, तो बच्चे छोटे छोटे बीन कर इसको खाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है लोगों को। तो ऐसे ही है यहाँ का जो एक फूड है मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जी जी तो इसी तरह खेतों में यहाँ पर ना लोग भुजे हुए कनक खाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। तब तक के लिए दोस्तों शुक्रिया।